एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। भाई का लुक कैसा लग रहा है यार? भाई का स्वाग बिल्कुल अलग लग रहा है, नहीं लग रहा है इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, ये स्वाग अगर आपको बरकरार रखना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप बाइक या स्कूटर राइड कर रहे हो तो आपका सर बचना चाहिए, आपका मुंह बचना चाहिए, एंड वो हमारा बचाता है हमारा हेलमेट। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है टॉप 5 हेलमेट्स जो कि आप खरीद सकते हैं 2,000 रुपये से भी कम के प्राइस के अंदर। सो गाइस, अगर मैं यहाँ पे आज की वीडियो की बात करूँ तो यार, जैसे मैं बोलूं कि यार नॉर्मली लोग नहीं स्पेंड करते अपने हेलमेट के ऊपर इतना पैसा, जबकि वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जब भी आप स्कूटर या बाइक राइड कर रहे हो। आपकी गलती ना भी हो तब भी कोई सामने वाला अगर आपको ठोक जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो कर रहे होते हैं। खास करके जो विदाउट हेलमेट चलने वाले लोग होते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने देखा है बहुत ज़्यादा होता है कि भाई हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट भगवान ना करे यार आपके साथ कहीं कुछ हो जाए एंड गलती से अगर सर पे लग जाए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं टॉप 5 हेलमेट्स की जो कि आप खरीद सकते हैं 2,000 रुपये से भी कम के प्राइस के अंदर। एंड सबसे पहला जो हेलमेट आता है वो आता है वेगा की तरफ से। सो वेगा का क्रक्स जो हेलमेट है, अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं, जो मैं प्राइजेस बताऊंगा ना ये सारे के सारे ऑनलाइन के प्राइजेस हैं, बट अगर आप शॉप पे जाते हैं तो हो सकता है आपको ये जो प्राइजेस हैं ऑलमोस्ट 150, 200, 300 रुपये तक भी कम पे मिले। सो वेगा का क्रक्स इट्स अ मॉड्यूलर हेलमेट, बहुत सही है। नीचे से पूरा एक तो फुल फेस आ जाता है, आप खोलते हैं तो पूरा ऊपर तक तो खुल जाता है। एंड इसका जो कॉस्ट आता है गाइस वो आता है 1,231 रुपये। आप इसको अमेजोन से 1,231 रुपये में खरीद सकते हैं। एंड गाइस, अभी हमने पीछे टेस्टिंग करी थी स्टड्स वगैरह की, स्टड्स करा था, स्टील बट करा था और लोकल हेलमेट भी करा था जो आपको मार्केट में 400, 500, 200, 300 रुपये के मिलते हैं, जो हम सिर्फ और सिर्फ चालान बचाने के लिए पहन लेते हैं। बट सिर्फ ऐसे मारने से वो हेलमेट टूट गया था। और स्टील बड़ा स्टड्स वगैरह के हेलमेट मैंने हथौड़ियों से मारे थे, प्रॉपर तरीके से मारा, पूरी जान जान से मारा, बट उसके बाद भी उन हेलमेट्स को कुछ नहीं हुआ था। सो वो बहुत ही सही था, मुझे बहुत सही लगा। एंड जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सो सबसे पहला जो सबसे सस्ता हेलमेट जो आपके सर को सरीके से बचा सकता है वो है आपका वेगा का क्रस। जैसे इसमें बात करी मैंने, इट्स अ डुअल पर्पज हेलमेट, ओपन फेस का भी काम करता है, फुल फेस का भी काम करता है, सिर्फ एक बटन है, आपको बटन दबाना है एंड देन आपका जो हेलमेट है वो खुल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है दैट इज फ्रॉम स्टड्स। जैसे मैंने अभी बोला कि स्टड्स के हेलमेट बहुत सही होते हैं, सो उसका CUB07 जो कि आपको कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट 1,120 रुपये का, आप इसको भी अमेजोन से फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हेलमेट इज कि यार ये यूवी रेजिस्टेंट है और पार्टिकल विंड प्रोटेक्शन इसके अंदर आपको मिल जाती है। खास करके जो वाइजर है इसका दैट इज यूवी प्रोटेक्टेड और पार्टिकल विंड प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, सो उसके ऊपर पार्टिकल्स चिपकते भी नहीं है। एंड बहुत सारे कलर्स के अंदर आपको मिल जाता है, लाइक ऑरेंज, ब्लैक एंड रेड कलर के ऑप्शन के अंदर। एंड दिस इज अ हाफ फेस हेलमेट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हाफ फेस हेलमेट है ये, ऑलमोस्ट आपके यहाँ तक ये वाला जो चिन एरिया है यहाँ तक ये आपकी कवरिंग करेगा और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो नेक्स्ट हमारा जो हेलमेट आता है दैट इज फ्रॉम स्टील बर्ड। स्टील बर्ड भी बहुत सही हेलमेट्स बनाते हैं, मैंने तो प्रॉपर हथौड़ी से मार मार के देखा यार, मेरे को तो किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं दिखी। सो स्टील बर्ड का Air 1 Beast ये आपका कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट 1,985 रुपीज़ का, ये आता है हमारा थर्ड नंबर पे। मतलब सबसे कम से मैं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा कर रहा हूँ, बट पांचों हेलमेट्स बहुत ही सही हैं, बहुत ही अमेजिंग है, आप पांचों में से कोई भी खरीद सकते हैं। सो 1985 का ये आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल रहा है। दिस इज अ फुल फेस हेलमेट, मैट फिनिश के अंदर आता है, दो साइज़ के अंदर ऑप्शन है इसका, इसके अंदर की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड बकल डिज़ाइन है इसका, तो यार सेफ्टी वाइज अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही सही है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हेलमेट इज कि यार इसका वेंटिलेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो आप इस हेलमेट को भी सोच सकते हैं लेने का, इसमें भी आपको अलग अलग डिजाइन, अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। देन हमारा फोर्थ नंबर पे जो आता है वो भी आता है आपका स्टील बर्ड की तरफ से। तो स्टील बर्ड का विजन हंक हेलमेट का नाम है स्टील बर्ड विजन हंक एंड ये आपको कॉस्ट करता है अबाउट 1,850 रुपये, आप इसको भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह से खरीद सकते हैं। वेट की अगर मैं बात करूँ इट्स अ क्वाइट हेवी हेलमेट, ऑलमोस्ट 1.52 kg के करीब का हेलमेट है, एंटी बैक्टीरियल कोटिंग एंड एंटी एलर्जी कोटिंग के साथ आपको ये मिलता है, वाइजर इज स्क्रैच रेजिस्टेंट, टिंट इफेक्टिव एज स्टॉक
एंड इसके अंदर क्विक रिलीज वाइजर का भी ऑप्शन है, सीधा से करो खोल दो तो वो बहुत सही है, ताकि वो आराम से अपने जो वाइजर्स हैं वो स्विच ओवर कर सके, चेंज कर सके अगर करना चाहता है तो, आराम से सब कुछ हो सकता है। तो यार बहुत ही सही ऑप्शन है ये, आप डिज़ाइन भी देखेंगे तो डिज़ाइन इसका बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे, खास करके जो ये वाला कलर मैं आपके सामने दे रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है मुझे। सो गाइस लास्ट जो हमारा हेलमेट आता है वो आता है स्टड्स की तरफ से, तो स्टड्स का क्रोम सुपर D1, दिस इज द लीस्ट अगर मैं बोलूं, बट इट्स अ प्रिटी डिसेंट हेलमेट, बहुत ही सही हेलमेट है फ्रॉम द स्टड्स, क्रोम सुपर D1, द प्राइस इज अबाउट 1080 रुपीज ऑन Amazon, Flipkart। इसमें भी आपको यूवी प्रोटेक्टिंग वाइजर मिल जाता है, यूवी रेजिस्टेंट पेंट मिल जाता है, एंटी एलर्जिक इनर मटेरियल मिल जाता है, और इसमें आपको मिलते हैं बहुत ही सारे शेड। अगर इसमें बात करूं तो वाइजर रिप्लेसमेंट भी आपकी बड़े आसानी से हो जाती है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हेलमेट इज कि जो इसका अंदर का कुशन है वो सारा का सारा रिमूवेबल है और वॉशेबल है, तो आप आराम से ये जो हेलमेट है इसको पहन के, अगर सपोज आपकी स्मेल आनी शुरू हो जाती है पसीने की, तो अंदर से सारे कुशन वगैरह निकाल के वॉश करके वापस फिट कर सकते हैं। सो बहुत ही सही सही ऑप्शन है, ये 5 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं गाइज। सेफ्टी इज द मेन प्रायोरिटी, सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे हम कहते हैं, और ये कहावत काफ़ी ज़्यादा सही भी है। जब भी आप सड़क पर निकलते हैं, चाहे आप बाइक लेके निकल रहे हैं, चाहे आप स्कूटर लेके निकल रहे हैं, मैंने बोला ना आपकी गलती चाहे ना भी हो, आप मेरे ख्याल से 20 की स्पीड में ना चला रहे हो, अगर दूसरा पीछे से आके आपको तेजी से आके ठोक दे तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपका सबसे पहले फटेगा सर, क्योंकि आप जब पीछे से अगर कोई आपको ऐसे बैंग करेगा तो आप हमेशा पीछे की तरफ जाएंगे और सबसे पहले रोड पे आपका सर ही लगेगा और वो बहुत ही बुरी तरीके से फट सकता है। हो सकता है आपका गाड़ी की विंडस्क्रीन पे जो है वो गिरे या बोनट पे गिरे, तो यार ये सब चीज़ें हैं। आप बाइक स्किट खा सकती है, स्किट खाती है तब भी हमारा जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से नीचे जाता है एंड देन यहाँ पे लगने के चांसेस होते हैं। सो हेलमेट एक ढंग के हेलमेट, मैं ये नहीं कहता कि आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए के हेलमेट लें, बट एक एटलीस्ट इतना हेलमेट लें कि यार आपको 2-3 साल तक प्रॉब्लम ना। यूजुअली क्या होता है ये हेलमेट्स की लाइफ, जो जितनी भी हेलमेट से चाहे वो 15,000, 20,000, 50,000 वाला क्यों ना, यूजुअली इनकी जो लाइफ होती है दैट इज अबाउट 3-4 ईयर्स, मैक्सिमम 4 ईयर्स होती है। तो यार अगर आप 2,000 रुपये अपने 3 साल या 4 साल के लिए खर्च कर रहे हैं, सो दैट इज लाइक 500 रुपीज अ ईयर, एंड दैट इज़ लाइक 40 रुपीज अ मंथ, एंड अगर मैं वैसे बोलूँ तो 1.5-1.25 रुपया सिर्फ एक दिन का अगर आप अपनी सर की सेफ्टी के लिए खर्च रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा और ये बहुत ही ज़्यादा चीप भी है। सो आज की वीडियो के नहीं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड गाइज प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, जाके फटाफट अपने लिए एक अच्छा सा हेलमेट ले, इन 5ों में से आप कोई भी ले सकते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गुड कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम बॉर्न क्रिएटर।